आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो अपने पास गिवन क्वेश्चन इज टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1। दो रेजिस्टेंस है अपने पास, एक रेजिस्टेंस R1 है और एक R2 है, और ये गिवन हमारे पास R1 इज ग्रेटर देन R2। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R निकलेगा R1 और R2 का। तो अपने को बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट बताना है, ठीक है? तो हम पहले R1 एंड R2 को ड्रॉ कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले हम R1 R2 बना लेते हैं। यहाँ पे ये अपने पास R1 हो गया और ये अपने पास R2 हो गया। ये अपन के पास दो रजिस्टर्स हो गए, एक R1 हो गया और एक R2 हो गया। अब दोनों को क्या बोला है, और एक चीज़ ये गिवन इन्फॉर्मेशन है क्या, R1 इज ग्रेटर देन R2, ये क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है। और दोनों अपने पास पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है? तो दोनों को पैरेलल में अपन कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? दोनों को अपन ने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। ये लेट सपोज R1 है, ये R2 है। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, हम R1 और R2 इस तरह के क्वेश्चन को हम वैल्यू से लेकर के करते हैं, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे R1 की वैल्यू अपन अब लिख रहे होंगे। एज्यूम कर लेते हैं कि R1 हमारे पास कितना है, ये हमारे पास लेट सपोज 5 ओम गिवन है, और R2 हमारे पास कितना गिवन है, लेट सपोज ये 3 ओम गिवन है। मैंने ऐसा इसलिए माना क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसको 5 माना, इसको 3 माना। आप इसमें और भी कोई वैल्यू मान सकते हैं रेंडमली, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ओके? तो फर्दर अब इसको करते हैं। अब अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक लाइक पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? तो मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट? दैट इज 1/R, ये जो R इक्विवेलेंट होता है, दैट इज R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये वो फॉर्मूला है जो जो कि यहाँ पे यूज होगा R इक्विवेलेंट निकालने। यहाँ पे बोला गया है ना कि अपने पास R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू दी गई है वो है R, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम उसको निकाल रहे होंगे, ओके? फर्दर आगे जाते हैं, अब हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 1/R लिख लेते हैं क्योंकि हमें R ही निकालना है यहाँ पे, और R1 की वैल्यू अपन ने 5 मानी है तो 5 लिख लेते हैं, और R2 की वैल्यू 3 मानी है तो 3 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो LCM अपने पास कितना आएगा, 15 आएगा, और इधर ऊपर 3 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये 8/15 आ रहा होगा, ठीक है? ये अपन किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, 1/R की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज ऐसे करके बोल सकते हैं R इज इक्वल टू 15/8। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ रही होगी, ये 1.6 के आसपास आ रही होगी सब, ठीक है? 1 times में ये अपने पास 8 में कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 बचेगा 70, तो 8 8 जा 64, सॉरी ये 8 आ रही होगी इसकी वैल्यू, ठीक है? तो इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये अपने पास कितना आ गया, 1.8 आ रही, ठीक है? 1.8 से थोड़ी सी ज़्यादा ही आ रही है, ठीक है? तो यहाँ तक पता चल गया। अब हमें क्वेश्चन में चारों ऑप्शन दे रखे हैं, उनको देखना, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अपने पास R की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई अपने पास 1.8। इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं, ओके, राइट। अब चलते हैं ऑप्शंस के पास कि ऑप्शंस क्या क्या बोल रहे हैं। तो हम सबसे पहले ऑप्शंस में आते हैं, उसमें क्या बोला है हमें कि R इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, R इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो सिंपल सी बात है कि हम R1 प्लस R2 भी कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लेते हैं, R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी, 5 ओम मानी थी, साथ में R2 की वैल्यू कितनी मानी थी, 3 ओम मानी थी। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ओम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि R इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि R की वैल्यू अपन ने निकाली अभी 1.8, ये ऐसा बोल रहा है 1.8 इज ग्रेटर देन 8, सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, R2 इज ग्रेटर देन R, ठीक है? ये बात तो सही है, ये पहला वाला बात कि R2 जो है भैया अपना वो R से तो बड़ा है, या 3 जो है अपने पास वो R से बड़ा है। बट यहाँ पे क्या बोल दिया वहीं पे, R1 इज लेस देन R, मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है अल्टीमेटली कि जो R1 है अपने पास, 5 जो है वो छोटा है किससे, R से, 1.8 से। सो ये भी गलत हो गया, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला, R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन R, हाँ। तो ये जो स्टेटमेंट है अपने पास ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ओके? बट नहीं,
अब हम यहाँ पे जब देखेंगे ये वाला जो स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या बोला, आर टू छोटा है आर से, तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि आर टू की वैल्यू अपन ने 3 मानी थी, ये बोल रहा है 3 इज लेस देन 1.8, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब अपने पास बचा लास्ट ऑप्शन, इसमें क्या बोल रहा है, आर वन इज सॉरी आर इज लेस देन आर वन, तो आर आर की वैल्यू क्या थी, 1.8 इज लेस देन आर वन 5, या ये बिल्कुल सही बात है। तो हम अल्टीमेट इसमें लिख सकते हैं कि अपना जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्या है, आर इज लेस देन आर वन, ठीक है, दिस इज आवर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।